हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रेलवे ग्रुप डी का तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं जीके साइंस मैथ रीजनिंग के, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियो देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पर सौरभ मलिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री पूछा गया था, तो सुषमा स्वराज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है और इसका राइट आंसर क्या होगा, कृष्णा सोबती राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2016 का सरस्वती अवार्ड किसको दिया गया, तो महाबलेश्वर सेल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्स का फॉर्मूला पूछा गया था, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम इंटू ए यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन राइट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में हुआ था, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा कब स्टार्ट की थी, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो 5th century AD में आपकी ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन है, तो बहलोल खान लोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल पूछी गई थी, तो रायपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश का राज्यपाल पूछा गया था, तो कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश का राज्यपाल आपका आनंदी बेन पटेल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और युगांडा की राजधानी पूछी गई थी आपकी कंपाला, राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एशिया कप 2018 का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो UAE, और ये आपका दुबई में होने वाला है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए ये भी पूछा गया था, देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे हैं, पूरा दिन मैं बाहर था तो इसलिए जो भी क्वेश्चंस मिल पाए हैं वो मैंने ज़्यादा सर्च नहीं किए हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले थे टेलीग्राम पे वो सारे मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2017 किसने जीता, तो विनोद खन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तीसरा बौद्ध परिषद अध्यक्ष कौन है, मोगली पुट्टा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका वोल्टमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, यानी कि किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है, विद्युत संभावित अंतर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एमीटर का उपयोग क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका वर्तमान, कुछ इसका सही क्वेश्चंस भी नहीं पता है इसका क्या है, बट इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा वर्तमान, क्योंकि मैंने सर्च किया था तो इसमें राइट आंसर वर्तमान दिखा रहा था, ठीक है। कोबाल्ट 60 से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, न्यूटन की गति से भी आधारित प्रश्न था, ठीक है। आज भी मैं बहुत ही लेट आया हूँ बाहर से, आपका मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, वीडियो भी आपको बहुत कम मिल रही है, तो ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपके लिए ऑनलाइन जो क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ सभी सब्जेक्ट की सेपरेटली और सभी अलग अलग आपकी जो कोर्सेज होते हैं उनकी, तो उनके लिए पूरा दिन जा रहा है और सारा ऑफिस देखने में और सब कुछ कलेक्ट करने में, तो थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिए, 10-15 दिन में आपको लाइव मिलना स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। बहुत सारे टीचर से मेरी बात हो रखी है, तो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर भी मैं लेके आने वाला हूँ, तो बस आप सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या पे पूछी गई थी, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। दादा और नागर हवेली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 29, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एक बच्चे ने भेज रखा था तो मैंने आपको बता दिया। होम मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, सभी को पता है, ये भी था। काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल आपका पूछा गया था, ठीक है। सिंगिंग में 2018 में किसको पुरस्कार मिला, तो ये भी कोई क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है सारे क्वेश्चन। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आपका द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जीके और आपके साइंस के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैथ की, तो मैथ में यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दूरी को 10 घंटे में कवर कर लेती है, अगर इस दूरी को 8 घंटे में कवर करना हो तो कितनी चाल बढ़ाई जाए, चाल पूछी गई है अगर 8 घंटे में करना हो। देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलते हैं तो 10 घंटे में डिस्टेंस को कवर कर लिया जाता है, बट उसी डिस्टेंस को अगर 8 घंटे में कवर करना हो तो चाल कितनी बढ़ाई जाए, तो यहाँ पे आपको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है।
यहाँ पे आपको टाइम भी पता है कि 10 घंटे में कवर कर लेती है डिस्टेंस को, और आपको स्पीड भी पता है, तो डिस्टेंस निकल जाएगी। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वैसे होता है आपका टाइम इंटू स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइम भी दे रखा है, स्पीड भी दे रखी है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर सीधा आप टाइम इंटू स्पीड कर लीजिए। तो डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 10 × 36, तो डिस्टेंस आपकी आ गई टोटल 360। यहाँ पे स्पीड निकाल लेंगे हम, सॉरी यहाँ पे स्पीड निकालनी है। अगर हमें 8 घंटे में इसको कवर करना है तो तब क्या करेंगे, 360 को 8 घंटे में कवर करना है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, देखिए 360 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ जाएगी। यानी कि अगर हमें इसी डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस पहले हमें 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल के 10 घंटे में कवर करते थे, अगर इसी डिस्टेंस को हमें 8 घंटे में कवर करना है तो चाल हमें 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाहिएगी। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 36 से 45 हो गया, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति से चाल बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन था ए और बी की करंट एज, यानी कि प्रेजेंट एज आपको दे रखी थी 2:3, ए और बी की करंट एज 2:3 है और 10 साल बाद 3:4 हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा ए और बी की प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में आयु क्या है, तो आप मुझे ये बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इनकी एज का रेशो प्रेजेंट में ये है और 10 साल बाद वाला ये है, तो आपने देखा कि इधर से 3 से 4 हो गया, यहाँ 2 से 3 हो गया, तो बड़ा कितना रेशो में, रेशो में केवल 1 का इंक्रीमेंट दिख रहा है, बट यहाँ पे ये कितने डिफरेंस इनके एज के बीच में, 10 साल का। भाई इस रेशो से इस रेशो इस दूसरा रेशो बनने में 1 का डिफरेंस आया है, यानी कि 3 से 4 हुआ है, 2 से 3 हुआ है, यानी कि 1 से 1 रेशो से बढ़ा है, बट एक्चुअल में कितने से बढ़ा है हमें पता है ना, 10 साल का डिफरेंस है, तो 1 = आपका 10 हो जाएगा। अगर आप 1 = आपको मिल गया है कि 10 है, तो आप प्रेजेंट निकाल लें चाहे 10 साल बाद वाले निकाल लें, बस आपको मल्टीप्लाई करनी है। 10 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वर्तमान आयु आपकी 20 आ जाएगी, और 10 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की 30 वर्तमान आयु आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पूछे गए थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है और रेट आपका दे रखा है 40%, टाइम दे रखा है 1 ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज, और वो निकालना क्या है, क्वार्टरली त्रिमासिक, यानी कि आपको एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, मैंने बताया 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ का 1 क्वार्टर होता है, ठीक है। तो कितने हो गए भाई आपके, एक साल में 4 क्वार्टर हो गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेट बराबर क्या करेंगे, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10% आ गया, ठीक है। 40 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 10% आ गया, यानी कि 10% आपका लगाना है हर 3 महीने बाद। ये 40% मत निकाल देना, ठीक है, क्योंकि 40% आपका पूरे साल का है, और जो हमें इंटरेस्ट निकालना है वो हर 3 महीने बाद निकालना है। तो एक साल में हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट लगाएंगे तो 4 बार इंटरेस्ट लगेगा ना, तो आपको यहाँ पे 4 साल का इंटरेस्ट निकालना है, ये सोच के चलिए, क्योंकि 4 बार इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है। तो ये 4 बार आपको लगाना है 10%, 40% नहीं, क्योंकि 40% पूरे साल का है, तो इसको 4 से भाग करेंगे तो 10% आपको हर एक 3 महीने बाद लगाना है। तो आपको क्या करना है, 10,000 का आपको 10% निकालेंगे, 1,000 आ गया। अब इस 1,000 को तो हम फिक्स कर देते हैं, 4 साल का निकालना है, 1, 2, 3, 4 लिखा, 1,000 यहाँ पे, 1,000 यहाँ पे, 1,000 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो ये कितना होगा, 4 साल का आपने फिक्स कर दिया। नेक्स्ट थोड़ा सा समझिएगा कि चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज लगाना है। तो यहाँ पे 1,000 पे ब्याज लगाइए, 10% का 100 आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, 2 साल का हमने निकाल लिया। तीसरे साल में 1,000 तो आपका लिख ही रखा है मैंने पहले से ही, तो इसमें आपको जितना इंटरेस्ट ऊपर इकट्ठा हो चुका है, कितना, 1,000, 2,000 और एक ये 2100 पे फिर 10% निकालिए, कितना हो गया, 210, तो 1,000 और ये आपका 210 कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर फोर्थ ईयर में आपको क्या करना है, 1,000 तो रहेगा, इन सभी को प्लस करिए, कितना होगा, 3,100, यानी कि 3,100 का 10% निकालिए, कितना होगा, 331, बस इन सभी को प्लस कर लीजिए, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो कितना होगा, 4,641 राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको अगर आप इस तरीके से निकालते हैं तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा देखने में लेंथी लगता है बट बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, क्योंकि हम इसको सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही तो निकालते हैं। पहले 1 साल का निकाला और वो हमने फिक्स कर दिया, 1,000 के बाद में बस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते जाइए और यहाँ पे रखते जाइए, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते जाइए और यहाँ पे रखते जाइए, जितना भी इंटरेस्ट ऊपर है उस पर लगाइएगा, फिर यहाँ पे रख दीजिएगा, लास्ट में ऐड करिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि 72 रुपये में बेचने पर 10% लॉस होता है, यानी कि किसी वस्तु को मान लीजिए कुछ भी है, ए बी वस्तु जो भी मान सकते हैं आप, ठीक है, मान लीजिए एक मोबाइल है वो 72 रुपये में बेचने पर 10% का लॉस होता है, अगर उसे 96-96 रुपये में बेच दिया जाए तो कितना प्रॉफिट होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए अगर 72 रुपये में बेचने पर 10% का लॉस होता है, यानी कि 72 जो रुपये हैं ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये 90% की वैल्यू है, तो 72 को हम 90 से भाग करेंगे, ठीक है, 90 से इसलिए भाग करेंगे क्योंकि ये 90% की वैल्यू है, माइनस कर देंगे ना, और इसको हमें 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि हमें क्या मिल जाएगी, सीपी। जब हमें 10% लॉस हो रहा है ना, तो ये सेलिंग प्राइस जो है 72 रुपये, ये 10% कम की है, ये 90% की वैल्यू, तो इसको 100% की बना लेते हैं कि ये वैल्यू रही कितने की होगी, तो 72 को 90 से भाग करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कटेगा, 9 से 72 जाएगा, 8 टाइम 8 की 10 में करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो 80 आपका सीपी आ गया। अब क्या बोला जा रहा है कि 96 रुपये में बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा, अब सीधा सीधा आप लगा सकते हैं कि 80 रुपये की चीज़ को हम 96 रुपये में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 16 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 16 रुपये का परसेंटेज निकाल लीजिए, तो 16/80 कर दीजिए, क्योंकि हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस होता है आपका किस पे निकलता है, वो आपका सीपी पे निकलता है, तो 16/80 करेंगे तो 16 से 80 जाएगा 5 बार, और 5 से 100 जाएगा 20 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 20% राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है कि 93% स्टूडेंट पास हुए हैं, 259 फेल हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे फेल स्टूडेंट दे दिए गए ना, फेल कितने हुए फेल कितने हुए हैं 259, तो 259 बच्चे फेल हुए हैं, तो इसका मतलब पास कितने हैं 93%, तो फेल कितने हैं परसेंटेज में 7% बचा, तो 7% बच्चे फेल हुए हैं, तो 7% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 259 की, तो 7% बराबर 259 है, तो 100% बराबर निकाल लीजिए ना, सिंपल है बहुत ही, 259 डिवाइड करेंगे 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितनी बार जाएगा 37 की 100 में करेंगे तो 3700 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि बी ने अकेले 10 दिन काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम, क्या हो जाएगा 90, ठीक है। अब 90 अगर आपका एलसीएम आता है तो ये क्या होगा टोटल यूनिट वर्क, टोटल यूनिट वर्क को 18 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि ए एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है। 90 को 15 से भाग करेंगे तो आप क्या आ जाएगा 6 यूनिट, यानी कि ए बी एक दिन में 6 यूनिट वर्क करता है। यहाँ पे बोला है कि बी ने अकेले 10 दिन का कार्य किया, यानी कि अगर बी अकेला 10 दिन कार्य करेगा एक दिन में 6 करता है तो 60 यूनिट वर्क कर लेगा। 90 में से 60 को माइनस करिए, बचा कितना 30। अब इस 30 यूनिट वर्क को 30 यूनिट वर्क को कौन करने आएगा, इसको करने आएगा आपका ए, क्योंकि बी तो काम छोड़ के जा चुका है 10 दिन करके, तो ए इसे 30 यूनिट वर्क को कितने दिन में करेगा 6 दिन में, 5 6 30, तो ये आपका 6 डेज राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस मिले हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया था वेन डायग्राम पृथ्वी समुद्र और सूर्य के बीच में, तो यहाँ पे सिंपल है भाई, पृथ्वी समुद्र और सूर्य के बीच में वेन डायग्राम क्या बनेगा। देखिए पृथ्वी के अंदर ही आपका समुद्र आता है बट सूर्य एक अलग है, तो ये आपका इस तरीके से वेन डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी और समुद्र का रिलेशन है और आपका सूर्य का कोई नहीं है, तो सूर्य अलग बनेगा। नेक्स्ट आपका है स्लोगन से, और यहाँ पे इसमें दिया गया कि कोई जीत हार नहीं है और सभी हार विजय है, तो कोई जीत हार नहीं है, यानी कि जीत और हार के बीच में कोई रिलेशन बताया नहीं गया, तो जीत और हार के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। फिर यहाँ पे बोला गया सभी हार विजय है, तो सभी के सभी हार आपका विजय हो जाएगा, ये इस तरीके का आपका वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया। यहाँ पे पढ़ते हैं क्या दिया गया है आपका कंक्लूजन में, कोई विजय जीत नहीं है, तो कोई विजय, देखिए विजय और जीत का बीच में रिलेशन नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे बताया गया कोई विजय जीत नहीं है तो हम नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है कुछ विजय जीत है, तो विजय और जीत के बीच में बता दिया गया रिलेशन। अब ये कंडीशन थोड़ी होगी अलग, यहाँ पे बोला गया कि एक बार की कोई विजय जीत नहीं है और एक बार बोला गया कुछ विजय जीत है, यानी कि इनके बीच में रिलेशन बताया नहीं गया बट इनके बीच में एक बार रिलेशन नहीं का बताया जा रहा है कंक्लूजन में और एक बार है का बताया जा रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा निष्कर्ष या तो वन या सेकंड अनुसरण करता है, तो ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगी, क्योंकि इसमें आपको देखिए ऑप्शन मिलेगा कि इनमें से ए या तो फर्स्ट वाला राइट होगा या सेकंड वाला राइट, क्योंकि जब भी ये वाली कंडीशन होती है आपकी कि जिसमें जिनके बीच में, देखिए यहाँ पे जीत और विजय के बीच में रिलेशन नहीं है बट यहाँ पे क्या दिया गया कोई विजय जीत नहीं है और कुछ विजय जीत है, तो इस वाली कंडीशन में आपका ये वाली होती है कि या तो आपका वन होगा या सेकंड वाला अनुसरण करता होगा।
नेक्स्ट आपका देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया है यहाँ पे, क्या भारत में रेल लाइनों के सभी लेवल क्रॉसिंग बंद किए जाने चाहिए और फ्लाईओवर बनाए जाने चाहिए? तो देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है, सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या भारत में, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या भारत में रेल लाइनों के सभी लेवल क्रॉसिंग बंद किए जाने चाहिए और फ्लाईओवर यानी कि जो पास होता है, ठीक है, बाईपास होता है, बनाए जाने चाहिए? तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, निष्कर्ष देखते हैं। हाँ, इससे ऐसे दुर्घटनाओं की संख्या कम हो जाएगी जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है। तो बात तो यहाँ पे बिल्कुल सही बोली जा रही है, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग के टाइम पे बहुत सारे यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, ठीक है, दुर्घटना की वजह से। बट यहाँ पे ये वाली कंडीशन आपकी राइट तो है, इसके पीछे एक और जो आपका ये दिया गया है इसको भी पढ़ के देखते हैं, इसके पीछे आपको पता चलेगा ना कि राइट कैसे है। इसमें दिया गया इससे ऐसे दुर्घटनाओं की संख्या कम हो जाएगी, तो ये बिल्कुल सही कंडीशन बताई जा रही है, क्योंकि अगर फ्लाईओवर बना दिए जाते हैं तो उससे दुर्घटना कम हो जाएगी, ये बिल्कुल कंफर्म बात है, कम हो जाएगी। यहाँ पे ख़त्म नहीं बोला गया, अगर यहाँ पे बोला जाता कि अगर फ्लाईओवर बना दिया जाए तो दुर्घटनाएँ ख़त्म हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल नहीं होगी, या कोई ऐसा वर्ड यूज किया जाता तो वो तो गलत हो जाता, बट यहाँ पे दुर्घटनाएँ कम हो जाएगी, ये आपकी कंडीशन बिल्कुल राइट हो जाएगी। नेक्स्ट बोला गया, नहीं, इतने सारे फ्लाईओवर के निर्माण के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि नहीं है, तो ये भी राइट है। देखिए अब इसमें दोनों कंडीशन कैसे राइट हो सकती है, कि ये वाली भी राइट है क्योंकि इसमें बताया गया है कि आपकी जो दुर्घटनाएं की संख्या है वो कम हो जाएगी, और यहाँ पे फिर बताया गया है इतने सारे फ्लाईओवर बनाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि नहीं है, तो ये वाली भी राइट हो जाएगी, क्योंकि ये अलग चीज़ बोल रही है और ये अलग चीज़ बोल रही है, तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। एक आपका यहाँ पे एक मतलब जो आपका मिरर इमेज पूछा गया था वो आपका किसी अल्फाबेट का नहीं था, वो कोई आपको फिगर दे रखी थी, ठीक है, तो अलग अलग शिफ्ट में शायद अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए होंगे, क्वेश्चंस तो मुझे आज कम ही मिले हैं, बट जो भी मिले हैं ये आपके सामने हैं। यहाँ पे था कि इस तरीके की फिगर है, तो आप ये देखिए कि मिरर यहाँ पे रखा है, तो मिरर के पास में आपका ये है, ठीक है, बॉक्स तो वैसा का वैसा ही है, तो ये मिरर के पास में ही रहेगा, और चिन्ह आपका दूर है तो ये चिन्ह दूर ही रहेगा, फिर नीचे आपका ये जो पॉइंट है ये नीचे है तो ये यहाँ पे भी नीचे ही रहेगा, तो ये राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है सीरीज 5, 6, 9, 14, 21, और नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे 5 और 6 में क्या है, +1, फिर +3, +5, +7, तो नेक्स्ट क्या आएगा, +9, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, +2, +2, +2, यानी कि हर एक नंबर में +2 करिए और नेक्स्ट में ऐड करके लिख दीजिए, तो यहाँ पे 30 आपका राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और था यहाँ पे आपका डायरेक्शन से, देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिला, जैसे जैसे बच्चे ने बताया मैंने वैसे वैसे लिख लिया इसको, कि यहाँ पे बताया गया सबसे पहले ए, अब कोई मतलब बंदा था वो जो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और फिर वो राइट साइड में मुड़ जाता है, तो जब वो दक्षिण की तरफ को आप चल के फिर राइट साइड में मुड़ जाएगा 12 किलोमीटर चलने के बाद में, फिर राइट साइड में मुड़ने के बाद में 10 किलोमीटर चलेगा, फिर उसके बाद 12 किलोमीटर चलेगा और फिर वो राइट साइड में मुड़ जाएगा, अब पूछा है वो किस डायरेक्शन में उसका फेस है, तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, तो ये आपका पूर्व राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 12 किलोमीटर चला, राइट मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, फिर राइट मुड़ा, फिर 12 किलोमीटर चला और अब वो मुड़ के खड़ा हो गया, तो किस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है, पूर्व की डायरेक्शन में, ये भी आपका राइट का आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका देखिए इस तरीके का आपका कोई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, AFKP का आपको लिखा गया था BHLR, तो यहाँ पे पूछा था CHMR को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, +1, फिर +2, फिर +1 और फिर +2, तो ये कंडीशन अगर आप समझ गए हैं तो नीचे वाले में भी इसको लगाइए और राइट आंसर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे ए आपका पहले नंबर पे आता है, +1 करेंगे तो बी आपका हो जाएगा, +1 करने के बाद में बी आ जाएगा, इसी तरीके से आपका +2 करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से आप +1 करेंगे, फिर इसी तरीके से आप +2 करेंगे, नेक्स्ट भी आपको यही करना है, CHMR में +1 करेंगे तो आपका D हो जाएगा, +2 करेंगे तो आपका J हो जाएगा, +1 करेंगे तो N हो जाएगा, +2 करेंगे तो आपका T हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं टॉपिक्स की, तो रीजनिंग के 4 जो टॉपिक हैं जो हमेशा पूछे जा रहे हैं, तो स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलोगिज्म और वेन डायग्राम, ठीक है, बिल्कुल फिक्स टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाने हैं। फिर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉगी हो गया, मिरर, वाटर इमेज हो गया, ठीक है, कैलेंडर, क्लॉक और डायरेक्शन हो गया। ये चैप्टर भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं, कुछ ये गिने चुने चैप्टर हैं आपके, अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं तो सक्सेस
100% मिलेगी और आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए आप थोड़ा सा मतलब वर्क करिएगा, निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिए। जब भी आप किसी भी रोंग क्वेश्चन पे टिक लगाते हैं तो सोचिए एक बार कि ये रोंग है और इससे मेरे नंबर कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए पेपर को करके आएंगे तो सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो ही जाएगा। बहुत से बच्चे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 80-80, 90-90 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है 80-90 अटैम्प्ट करने की, क्योंकि अगर आपके उसमें से 10 या 15 क्वेश्चन भी गलत निकल गए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो 60-65 अगर आप बिल्कुल करेक्ट करके आते हैं वो सही है 80-90 से, तो ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मैथ के टॉपिक जो है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, एज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, SICI है, ठीक है भाई, ट्रेन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, LCM HCF है, स्क्वायर रूट है। ये कुछ मतलब टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में डेली पूछे जा रहे हैं। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो मैं अभी टेलीग्राम पे डाल देता हूँ इसको, यहाँ पे टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है, तो आपके पास अगर टेलीग्राम यूज करते हैं तो वहाँ पे आप टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जितने भी PDFs हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ पूरे दिन में, आज जो ऑफिस मिला है आप लोगों के लिए, जो लाइव क्लासेस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसके लिए, तो उसके लिए मतलब बहुत मेहनत लगी आज, और बहुत सारा खर्चा भी हो रहा है मेरी तरफ, मेरा मतलब मैं ये आपके मतलब एक बर्डन नहीं डाल रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि आप सपोर्ट करते रहिए, और जितनी भी मैं कोशिश कर पाता हूँ, आते ही घर पे खाना वाना कुछ नहीं खाया मैंने, सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चंस कलेक्ट किए और वीडियो अपलोड की है, ठीक है। तो इसको लाइक शेयर करते रहा करें, और जितनी भी अभी आगे क्लासेज आएंगी उनको देखते रहिएगा, और आपके लिए पूरा लाइव क्लास पूरा आपके लिए सेटअप बनाया जा रहा है, जिसमें 5 से 7 दिन या 10 दिन लग सकते हैं मुश्किल से, मैक्सिमम बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी टीम मैंने बना ली है, दिन रात वर्क कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। बहुत मेहनती हैं जितने भी मेरे दोस्त हमारे साथ में जुड़े हैं, और आप भी बहुत मेहनती बनिए, सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेने के लिए ही पूरी टीम मैं बना रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट का अलग से टीचर आपको प्रोवाइड कराऊंगा हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया में उन सभी के प्रिपरेशन किया करेंगे अच्छे तरीके से, और ये नहीं कि आपको बस तैयारी करानी है, आपको जुड़े रखना है, आपको सिलेक्शन दे के मतलब आपको जॉब आपके हाथ में पकड़ानी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपसे मिलने भी आएंगे, बहुत कुछ सोचा है मैंने, तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है मुझे कमेंट में बताइएगा कितने बच्चों ने एंड तक देखी और क्या क्या यहाँ पे आपने सुना है मेरे द्वारा, ठीक है। और आपको कैसे लगती है वीडियोज़, क्या आप एक्साइटेड हैं कि मैं ऑनलाइन क्लासेज लेके आ रहा हूँ, ये सब कुछ, ठीक है। तो वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।